रोमांटिक राइड पे अगर ले जाना है आपको अपने गर्लफ्रेंड को या वाइफ को तो यहाँ पे जरूर आइएगा। तो यार यहाँ मस्त डीजल लाइट वाइट लगा हुआ है एकदम भाई, नेक्स्ट लेवल का एनर्जी है। ये देख लो यहाँ पे दमन का बार और रेस्टोरेंट कैसे होते हैं भाई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मतलब कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बहुत मस्त हूँ मैं फिलहाल, ठीक हूँ। सो बैक टू बैक सेकेंड ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ। और आप लोग ये रूटीन बना लो कि जब भी मैं ब्लॉग शूट करूंगा तो अगर मंडे टू सैटरडे होगा तो मैं 4 बजे के बाद ही ब्लॉग शूट करूंगा। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 6:00 और अभी मैं निकल रहा हूँ डांस क्लास के लिए, बिकॉज 6 बजे के पहले मेरे को टाइम नहीं मिलता है। मैं ऑफिस से आता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। अभी सोच रहा हूँ रेगुलर जो भी आपको दिखा सके दमन में हर चीज दिखाएंगे और ब्लॉग मजेदार होने वाला है। तो मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आपको पिछले वाला ब्लॉग, प्रीवियस ब्लॉग अच्छा लगा हो, मजा आया हो। इस तरह से आप प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। मजेदार मजेदार ब्लॉग आने वाले। फिलहाल अभी मैं जस्ट फेस वॉश करके जस्ट बैठा हूँ, अभी डांस क्लास कर निकल रहा हूँ। अभी 10 मिनट बचा है, तो 6 से 7 डांस क्लास होता है, तो फटाफट चलते हैं डांस क्लास। बिल्कुल 2 दिन से डांस क्लास मेरा मिस हो रहा है, चलते हैं और देखते हैं। तो आपको दिखाता हूँ आज अपना डांस क्लास, मैं कहाँ पर डांस क्लास सीखने जाता हूँ और डांस क्यों आप लोग पूछोगे तो इसका मैं रिप्लाई दूंगा। तो अभी तक अपने ग्राउंड में तिरंगा झंडा लगा हुआ है, देख सकते हो आप। तो फिलहाल मैं जस्ट अभी पहुंचने वाला हूँ डांस क्लास। और भाई देखो, डांस सीखने का मेन रीज़न ये है ना कि कुछ एक्स्ट्रा सीख लूँ, बस ऐसा नहीं कि बस डांस सीख लूँ तो बस हमेशा डांस ही करते रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक होता है ना इंटरेस्ट सीखने का, वो बोलते हैं ना कि स्किल कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, बिकॉज कब कौन सा स्किल काम आ जाए कोई नहीं जानता है। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं मसाल चौक, ये है आगे मसाल चौक, और जस्ट वॉकिंग ही आता हूं, ज़्यादा नहीं है, बस जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो यार डांस क्लास से सीधा मैं आ चुका हूँ बीच के साइड। अभी हम लोग जा रहे हैं देवका बीच, आगे है जजीरा होटल, उसके पास प्रोग्राम है। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट देना फोन। देखो मैं आपको ये डाल दूंगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हो दमन में अलग अलग 24 तक मैं व्लॉग डालूंगा। तो आज जो है, आज 17 अगस्त है, तो आज कल्चरल परेड, एरियल एक्ट, फायर वर्क्स, डांस परफॉर्मेंस, तो सारा कुछ मिस हो गया हम लोग का, सिर्फ डांस परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बिकॉज 5 बजे से ही स्टार्ट हो गया था और 5 बजे से मैं ऑफिस में था। लाइन से लगा हुआ हमारा इंडियन फ्लैग। तो यार यहाँ से थोड़ा क्राउड दिखना शुरू हुआ है, देख सकते हो काफ़ी यूनिक साइकिल देखने को मिल जाएगा आपको। रोमांटिक राइड पे अगर ले जाना है आपको अपने गर्लफ्रेंड को या वाइफ को तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। देवका बीच ना, तो आप लोग देवका बीच पे आ सकते हो, अगर वाइफ है गर्लफ्रेंड है तो उसको लेकर आओ। चलो थैंक यू। राजीव रंजन ब्लॉग्स। चलो एक सब्सक्राइबर भी मिल गए हमारे भैया, और भैया मिल गए तो साथ में ये भी कर ही लेंगे और ये भाई भी कर ही लेंगे। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। तो यार हम लोग एक बार इधर से ही आए थे, ये भी एक रोड है जो अंदर जाता है। तो यार यहाँ से देख सकते हो आप डेकोरेशन स्टार्ट है भाई, इधर डेकोरेशन नहीं है, एक नंबर लग रहा है ये पूरा, वहाँ से वहाँ तक ग्रीन। तो यार ये माहौल चेकआउट करो आप, नेक्स्ट लेवल का वाइब आ रहा है। क्या भाई कैसा यहाँ पे वाइब कैसा आ रहा है? ऐसा लग रहा है मतलब कहीं दूसरे दुनिया में पहुँच गए हैं, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, ऐसा फील आ रहा है। देखो इधर से पूरा सजा हुआ है, डेकोरेटेड है। सो चलते हैं आगे अभी, और यहाँ से जो एनर्जी है वो मैं रुक के दिखा देता हूँ आपको, फील होना शुरू हो रहा होगा ये एनर्जी के नाम पे। देखो ये पानी पूरी वाले भैया आ गए। तो यार यहाँ मस्त डीजे लाइट वाइट लगा हुआ है एकदम भाई, नेक्स्ट लेवल का एनर्जी है। तो यार फाइनली दमन का मानसून फेस्टिवल का मज़ा लेने के लिए आप लोग रेडी हो जाओ, 24 तक आप लोगों को खूब मज़ा मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे अभी यहाँ का जो माहौल है वो भाई साहब, अभी रोड का ऐसा माहौल है जहाँ पे सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, तो चलो हम लोग भी खिंचवा लेते हैं भाई, तो फिर मिस करेंगे। नया भारत कहाँ है? नया भारत हमें तो नहीं दिखता है, तुम्हें दिखता है क्या? अरे अच्छा उधर है नया भारत। तो यार ये पेड़ के साथ जो आप ये लाइटिंग देख रहे हो ना, कितना मैच कर रहा है, मस्त लग रहा है। तो यार कैसा है, कहीं पे गाना वाना दिख नहीं रहा है यहाँ पे? आगे है क्या? और कैसा लग रहा है, कब से बैठे हो यहाँ पे आके? आपका वेट कर रहे थे हम तो अभी तक। अच्छा अच्छा चलते हैं, मजा है। गाड़ियों का भीड़ अलग है और ये देख सकते हो अभी यहाँ का भीड़ अलग है। तो यार गाइस देख लो, ये है दमन का वाइब, ओरिजिनल दमन का वाइब।
मस्त होटल्स वगैरह डेकोरेट किया हुआ है, एक नंबर लग रहा है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे चलने। ये देख लो यहाँ पे दमन का बार और रेस्टोरेंट कैसे होते हैं भाई, मस्त नजारा लेते हुए यहाँ पे। तो यार मुझे लगा ऐसा ग्राउंड में डांस परफॉर्मेंस होगा, बट ग्राउंड पे नहीं, यहाँ पे रोड पे ही ये डांस करते हैं लोग, जाते हैं और वहां से एग्जिट करते हैं। तो अभी दो निकल गए हैं, अभी बाकी और आ गए हैं। ये टाइक्वांडो कराटे लग रहा है। फिलहाल एक तुम्हारा आज का ब्लॉग, आशा करता हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, मजा आया हो, और यही था देख सकते हो वहाँ पे लोग दोस्त लोग वेट कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी आज के इस ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आशा करता हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, मजा होगा, आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।